सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, रोशनी अपने आप को म्यूट कर लो। ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिसको उसके आंसर्स पता होंगे वो अपने आंसर्स चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और बाकी जैसे मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके उसके आंसर्स देंगे। ओके, सो व्हाट डू वी डू व्हेन वी फील हॉट? जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? अपने आंसर्स चैट बॉक्स में दो। रोशनी, प्रिया, राहुल, अपने आंसर्स। हाँ श्रेया, वेरी गुड, फैन ऑन करते हैं। अलका, फैन, ओके, वेरी गुड अलका। राहुल, नाइस, यूज फैन। ओके, सो वी ऑन द फैन व्हेन वी फील हॉट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्टार्ट द फैन? हम फैन को कैसे स्टार्ट करते हैं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। हाउ डू वी स्टार्ट द फैन? वेरी गुड अलका, स्विच ऑन करके। ओके, गुड राहुल, बाय स्विच ऑन। सो हाउ डू वी ऑन द फैन? बाय स्विच ऑन। ओके, व्हाई डू द फैन स्टार्ट मूविंग? स्विच ऑन करने पर ऐसा क्या होता है जिससे फैन चलने लगता है? चैट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग। यस सम्रागी, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड अलका, ड्यू टू करंट। ओके, सो स्विच ऑन करने पे इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है जिस वजह से फैन चलना शुरू हो जाता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं? ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में आज हम अपने क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? इस इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर करिए। नेम सम ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस लाइट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। चैट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग। रोशनी, प्रिया, सभी लोग अपनी स्क्रीन वीडियो ऑन कर लें, अपने आप को म्यूट रखें। वेरी गुड सम्रागी, बल्ब, ट्यूबलाइट। ओके अलका, बल्ब, टॉर्च, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। सो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी नीड टू प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम बल्ब? बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? श्रेया, वेरी गुड, करंट की जरूरत पड़ती है। सम्रागी, वेरी गुड, सो बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है? जब बहुत सारे चार्ज एक साथ आके एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं और वो जगह जो होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पेस। जब बहुत सारे चार्जेस एक इलेक्ट्रिक स्पेस में आके कलेक्ट हो जाते हैं तब हमारा बनता है इलेक्ट्रिक करंट, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम इस चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमें पता है। चार्जेस हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब हमारे सेम चार्जेस आपस में साथ में होते हैं एक जगह, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव जब साथ में होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही जो फिनोमिना है, यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट में यूज होता है कि जब दो चार्जेस एक साथ आते हैं
तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपने चार्जेस भेजता है। तो ये जो चार्ज का फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फ्लो, वो एक सर्किट में होता है। तो यही जो फ्लो ऑफ चार्जेस है एक सर्किट में, इसे ही हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट टर्म से। सो इलेक्ट्रिक करेंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। मोर स्पेसिफिकली, द इलेक्ट्रिक करेंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो पास्ट अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक करेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेट ऑफ चार्ज। रेट का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फ्लो होने वाले चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। द चार्जेस कैन बी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स इंक्लूडिंग प्रोटॉन्स, पॉजिटिव आयंस और होल्स। ओके, सो इसमें किसी को प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक करंट में? सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इलेक्ट्रिक करंट का? ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सो टेल मी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सभी लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में दीजिए, म्यूट करके म्यूट कर लें अपने आप को। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? प्रिया, राहुल, आंसर करिए आप लोग। वेरी गुड राहुल, सेकेंड। ओके, सो द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, वेरी गुड। सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट चार्ज, चार्ज इन एसआई यूनिट? चार्ज के एसआई यूनिट क्या है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। सुबह सुबह अपना नेम चेंज करिए, कौन है आप? अपना नेम चेंज करिए वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगी। सो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज क्यू। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट की एसआई यूनिट और करंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग चार्ज। तो हमने पीछे पढ़ा कि जो करंट है वो है रेट ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चार्ज का मतलब एक चार्ज जो कि एक गिवन टाइम में किसी भी इलेक्ट्रिक स्पेस या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसे हम कहते हैं चार्ज। तो ये जो टर्म होता है इसे हम दिखाते हैं करंट से। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हमें पता है जो एसआई यूनिट है टाइम की वो होती है सेकेंड। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। तो हमने यहाँ पे करंट को दिखाया चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज की यूनिट है कूलम्ब, टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो वी कैन ऑल्सो डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट एज कूलम्ब पर सेकेंड। द एम्पियर, द सिंबल ए इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, पर जब हम उसे फॉर्मुलेज या फिर न्यूमेरिकल करते हैं तो उसे हम कैपिटल ए सिंबल से दिखाते हैं। तो ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, सभी को क्लियर है ना? तो फिर अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसके सभी लोग आंसर्स देंगे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, और जिससे मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देगा। ओके, ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? राहुल, आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? राहुल, The rate of flow of electron is known as electric current. वेरी गुड। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप चार्ज बोलिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम्स। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अलका, आप आंसर दीजिए अपने आप को अनम्यूट करके। बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर देते रहिए, मैं चेक कर रही हूँ। मैम, एम्पियर। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड श्रेया। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी कैलकुलेट करंट यूजिंग चार्ज? अपने हैंड रेज करिए, जिसको आंसर पता हो उससे मैं पूछूंगी। हाँ श्रेया, बताइए अनम्यूट करके।
करंट को हम चार्ज का यूज करके कैसे निकालते हैं? चार्ज बाय टाइम. वेरी गुड श्रेया. वी कैलकुलेट करंट बाय इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. तो आप लोग ये स्लाइड का कंटेंट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए. सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? आप लोग आंसर करिए. सभी ने नोट कर लिया है तो मैं आगे मूव करूं. यस मैम. ओके गुड. आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए. सो आपका होमवर्क है राइट अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द सेकंड वन इज मेंशन अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट. ये भी आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए और सारे बच्चे ये कल करके लाएंगे. ओके थैंक यू क्लास.